शहनाज गिल ने दिया था सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट, वो भी बिग बॉस 15 के मंच पे। और उसमें क्या थे सारे यूट्यूबर्स के रिएक्शन, मैं आपको बताती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल फ्लैश 24। मैं सौमित्रा, मैं आपके लिए लेके आई फिर से एक खास वीडियो। जी हाँ गाइस, शहनाज को और गिल ने सिद्धार्थ शुक्ला को दिया ट्रिब्यूट उस मंच पे जहाँ पे पहली बार शहनाज मिली थी सिद्धार्थ शुक्ला से, वो भी उसी होस्ट के सामने, सलमान खान के सामने, उसी जगह पे, उसी माहौल के बीच में आके अपने सबसे करीबी दोस्त जिसको उन्होंने खो दिया उसको ट्रिब्यूट देना बहुत बड़ी बात है। तो पर शहनाज एक हिम्मत वाली लड़की है, उन्होंने हिम्मत से वो किया। तो क्या था उनके इस ट्रिब्यूट पे सबके रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं फरीदून सर की। फरीदून सर ने अपने वीडियो में ये कहा कि शहनाज का जो परफॉर्मेंस था सिद्धार्थ के लिए वो उसमें कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इट्स अ हर्ट रेंजिंग और मतलब दिल को छू जाने वाली परफॉर्मेंस थी, शहनाज ने पूरे दिल से दिया था। और फरीदून सर ने यह भी कहा कि उनको अच्छा लगा कि पुरानी शहनाज को और गिल फिर से धीरे धीरे वापस आ रही है। माना कि एक हद तक वो इमोशनल हुई पर फिर हमें वो हस्ती खेलती नटखट शहनाज भी हमको स्टेज में कहीं ना कहीं दिखी। उन्होंने ये भी कहा कि मे बी बिकॉज ऑफ सलमान खान, क्योंकि सलमान खान ने वो एटमोस्फियर दिया था, वो कंफर्ट फील करवाया था जो कि शहनाज को हौसला रख के प्रीमियर के टाइम पे नहीं मिला था, क्योंकि वहां पे शहनाज हमें ऐसी नहीं दिखी थी। सो फरीदून सर का भी ये कहना था कि शहनाज का ये परफॉर्मेंस दिल छूने वाला था और सब कोई बिग बॉस फिनाले के विनर से ज्यादा वेट कर रहे थे शहनाज के इस परफॉर्मेंस का। मुझे तो एक बात अच्छी लगी कि सलमान जो शहनाज का जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जिस चीज के लिए वो बहुत जानी जाती थी वो वापस आ चुका है, यू नो दैट इज बैक। के प्रमोशन में हमने कुछ चीज नहीं देखी थी, she was tentative। इसके बाद बात करते हैं फीफा फूज की। फीफा फूज ने भी वही कहा कि एक छोटी सी खिलखिलाती हंसती हुई लड़की को हम लोग फिर से देखे शहनाज को, जो कि उन्होंने दिया ट्रिब्यूट सिद्धार्थ शुक्ला को। और इसके साथ साथ फीफा फूज ने ये भी कहा था कि जब तक शहनाज की वो 1 2 3 4 वो वाली वीडियो आउट नहीं होती, पर एक फोटो बहुत वायरल हुए थे उससे पहले, तो उन्होंने ये भी कहा था कि शायद सना का कोई और भी डांस परफॉर्मेंस है। पर यहाँ पे फीफा फूज वाले भी हमें दिखे शहनाज को और गिल के इस ट्रिब्यूट को अप्रिशिएट करते हुए, शहनाज के इस जज्बे को सलाम करते हुए, क्योंकि इस चीज के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला को एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्यारा सा एंड यू नो एक इमोशनल ट्रिब्यूट देने आने वाली है, काफी ब्यूटीफुल सा ट्रिब्यूट होने वाला है, वो देखने के लिए तो डेफिनेटली हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके बाद बात करते हैं मिस्टर जॉय की। मिस्टर जॉय ने अपने लाइव सेशन में भी सबसे यही रिक्वेस्ट किया था क्योंकि बहुत लोग ये इमोशनल हुए थे और सोच रहे थे हम लोग नहीं देख सकेंगे, तो उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट किया था सबसे कि अगर शहनाज कौर गिल वो बंदी इतने हिम्मत दिखा के आपके लिए जाके वहां पे कर रही है तो आप भी गाइस प्लीज देखो। उसके साथ साथ उन्होंने ग्रैंड फिनाले के दिन एक ट्वीट भी किया था जो ट्वीट सबके दिलों को छूने वाला था। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा, आंसू रोक रही थी वो भी, आंसू रोक रहे थे हम भी, ये सब कमाया है आपने भाई ने, हैशटैग सिद्धार्थ शुक्ला, हग्स टू रीता आंटी, शहनाज गिल सिद्धार्थ सिडनास शहनाजियन, लेट्स बी टुगेदर टुडे एंड सेंड एनर्जी टू आवर किंग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विनर सिद्धार्थ। सो मिस्टर जॉय भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एनकरेज करते हुए दिखे हमको शहनाज को और गिल को, और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हुए दिखे। तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ सुमित्रा, और सबसे क्या जब एक बंदी वहां पर जाकर उसी स्टेज पर उसी होस्ट के सामने और वही पूरा माहौल, वो फिनाले वाला माहौल, जब वो वहां पर खड़ी होकर ये सब चीजें कर सकती है, हम क्या टीवी ऑन करके देख भी नहीं सकते। इसके बाद बात करते हैं हम लोग गाइस अमित जी की कहानी बात से। जी हाँ गाइस, अमित जी ने भी यही कहा कि भाई पूरे फिनाले के परफॉर्मेंस एक तरफ, शहनाज कौर गिल का परफॉर्मेंस एक तरफ, शहनाज कौर गिल के 9 प्रोमोज आ चुके हैं। अमित जी ने यही कहा कि मैंने और किसी दूसरे सेलिब्रिटी की प्रोमो ही नहीं देखी,
क्योंकि मुझे सिर्फ शहनाज का ही प्रोमो दिखा, नौ प्रोमोज आ चुके थे शहनाज कौर गिल के। सो शहनाज कौर गिल का ये जो प्रोमो था, इसी से पता चल जाता है गाइस कि मतलब हर कोई कितने मतलब मन से वेट कर रहे थे कि शहनाज कौर गिल कब आए और कब वो ट्रिब्यूट सिद्धार्थ शुक्ला को दे। सिद्धार्थ का जिक्र, शहनाज का जिक्र, हर कोई इमोशनल हो रहा था और शहनाज के 9 प्रोमो आए। सोचिए 9 प्रोमो, बाकी किसी के प्रोमो मैंने देखे ही नहीं। इसके बाद बात करते हैं हम शुद्ध मनोरंजन की। शुद्ध मनोरंजन यहाँ पे शहनाज गिल को सपोर्ट करते हुए हमें दिख रहे थे। शिवकांत जी ने यही कहा कि मे बी स्टार्टिंग में शहनाज थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, भावुक हो गई थी सलमान खान को देखते हुए, पर उसके बाद उन्होंने जो सवाल पूछे सलमान खान को वो तो सिर्फ शहनाज कौर गिल ही कर सकती है। जी हाँ गाइस, शहनाज ने पूछ लिया था सलमान से कि कटरीना की शादी हो गई है, वो अब पंजाब की कटरीना कैफ बन गई है, सर अब खुश रहो बस। तो ये हक तो सच में शहनाज कौर गिल का ही है क्योंकि वो ही कर सकती है। और तो मनोरंजन वाले भी हमको दिख रहे थे शहनाज कौर गिल के इस अंदाज को, क्योंकि ये जो शहनाज है इस शहनाज को सब कोई मिस कर रहे थे, तो ये शहनाज को अप्रिशिएट करता, दर्द जो है वो दिखा चेहरे पर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हुई और नॉर्मल ऐसी हुई कि भाई साहब सलमान खान की टांग खिंचाई हो रही है। कटरीना को जाने का दुख तो नहीं हो ना सर आपको, आप खुश तो हो ना? वाओ, ये सवाल सिर्फ शहनाज ही पूछ सकती थी इस तरीके से सबके सामने। तो गाइस ये था एक वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दी थी क्या क्या थे सारे यूट्यूबर्स जिसने रिएक्शन दी है शहनाज कौर गिल के इस परफॉर्मेंस के ऊपर। और हाँ गाइस, मैं भी यही मानती हूँ कि यही शहनाज को हम मिस कर रहे थे। माना कि शहनाज ने हमको रुला दिया, हम सबको स्टेज पे रुला दिया है, पर साथ साथ शहनाज ने हंसा भी दिया है। यही है वो शहनाज कौर गिल जिसके साथ फैंस अपने इमोशनली अटैच है। जब शहनाज हंसती है तो शहनाज के फैंस हंसते हैं, जब शहनाज रोती है तो शहनाज के फैंस भी रोते हैं, और लाइफ में आगे भी वो बहुत कुछ कमाएगी। गाइस आपको कैसा लगा? फिर से मैंने एक वीडियो जिसमें मैंने फिर से बता दी सारे यूट्यूबर्स के रिएक्शन, में कमेंट करके जरूर बताइए। टिल देन बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।